नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पूजा भाटिया, गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अगस्त के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना कैसे जाने वाला है, उनका टैरोस्कोप क्या कहता है, मिथुन राशि वालों के करियर के कार्ड्स क्या कहते हैं, उनका लव एंड रिलेशनशिप के कार्ड्स क्या कहते हैं, उनके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, और साथ ही हम बताएंगे कि आपके हेल्थ कैसे रहने वाली है अगस्त के महीने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं करियर से कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनीज के लिए अगस्त का महीना कैसे जाने वाला है करियर में। करियर में तो देखिए बहुत ज़बरदस्त कार्ड आया है, मैजिशियन का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि मिथुन राशि वाले आप में कैलिबर बहुत है, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और आप में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन साथ ही ये दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं अगस्त के महीने में। तो यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि पुरानी बातों को भूल जाइए, कुछ नई शुरुआत होने वाली है उस पर फोकस ज़रूर कीजिए। साथ ही थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि आप जिस भी काम में आप इन्वॉल्व होंगे, अगर आप जॉब में हैं तो आपके सुपरवाइजर्स आपकी परफॉर्मेंस को बहुत स्ट्रांगली मॉनिटर करने वाले हैं, और अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर्स की नज़र आप पर है। आपको अपने बिजनेस में अपने सबॉर्डिनेट्स यानी कि जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनको भी पूरा आप में नज़र रखनी है, उनके काम को मॉनिटर करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये था अगस्त के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है करियर। अब हम बात करते हैं कि लव एंड रिलेशनशिप कैसा रहेगा अगस्त के महीने में। लव एंड रिलेशनशिप में तो देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगस्त के महीने में अब तक आपने जितनी भी अपनी भावनाएं अपनी फीलिंग्स दबा कर रखी थी उन फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए। साथ ही यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम आ सकती है आपके आपके पार्टनर के साथ। आपको उस ईगो प्रॉब्लम को अपने रिलेशनशिप में नहीं आने देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं अगर आप ईगो को अपने रिलेशनशिप में आने देंगे तो। साथ ही जो लोग अपने लव एंड रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले थे, तो ये महीना बहुत बेहतर है। आप अपने पार्टनर को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, अपनी शादी की बात कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए अगस्त का महीना बहुत ही शुभ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। तो फाइनेंसेस के तो भैया बहुत बढ़िया कार्ड आए हैं, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि आप कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, उस फाइनेंशियल प्लानिंग का आगे जाके आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। अगर आप कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अगस्त का महीना बहुत ही बढ़िया है नए इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। चलिए अब हेल्थ की देख लेते हैं कि हेल्थ के कार्ड्स क्या कहते हैं अगस्त के महीने में। हेल्थ के कार्ड्स ये कहते हैं मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग को ख़त्म करना है, इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फ्रेंडशिप, कोई अच्छी कंपनी नहीं है, तो आप बहुत उदास भी नज़र आ रहे हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा डाइट रूटीन फॉलो कीजिए, क्योंकि ओवरऑल कोई मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं है अगस्त के महीने में। चलिए अब मिथुन राशि वालों के लिए एक टैरो गाइडेंस देख लेते हैं कि टैरो गाइडेंस क्या कहती हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि आप और आपके जितने भी लव्ड वंस हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, एक डिवाइन हीलिंग है उनके साथ, और उनकी बिल्कुल भी चिंता आप ना करें। अगस्त का महीना आपके और आपके घर वालों के लिए बहुत ही शुभ है। तो ये था अगस्त के महीने का टैरोस्कोप मिथुन राशि वालों के लिए। यदि आपको किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी है, जॉब में, शादी में, वीज़ा नहीं लग रहा है, फॉरेन सेटलमेंट नहीं हो रहा है, या आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं क्रैक हो रहा है, या आपका ब्रेकअप इश्यू है, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कीजिए, मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए। याद कीजिए ये एक पेड अपॉइंटमेंट है, आप नीचे दिए गए नंबर पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।